नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युवराज सिंह की। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से युवराज सिंह की भारतीय टीम में वापसी हो सकती है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो पे 50 लाइक्स आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं युवराज सिंह की। आप सबको तो पता ही है, युवराज सिंह जो है वो कुछ समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं उनके फिटनेस टेस्ट के कारण। लेकिन दोस्तों, अभी जो युवराज सिंह है वो करेंटली NCAA बेंगलोर में है। वहाँ पर वो जिम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने फिटनेस टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और दोस्तों, अभी जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज आने वाली है अगले महीने, उसके अंदर युवराज सिंह का चयन पक्का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो युवराज सिंह है वो जिम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब दोस्तों न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी भारत में, वहाँ पर युवराज सिंह यो टेस्ट में फेल हो गए थे केवल छोटे से मार्जिन से। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह जो है केवल छोटे से मार्जिन से यो टेस्ट में फेल हो गए थे। लेकिन अभी युवराज सिंह जो है वो इस बार यो टेस्ट को ऐसा लग रहा है कि पार कर जाएंगे और भारतीय टीम में भी उनकी वापसी हो जाएगी। दोस्तों, जो युवराज सिंह है वो अभी रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी नहीं खेल रहे हैं। वो केवल अभी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं ताकि वो जो है यो टेस्ट को पार कर सके और उनकी जो है श्रीलंका सीरीज में वापसी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह रणजी ट्रॉफी के मैचेस छोड़ के जिम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि वो जो है यो टेस्ट को पास कर पाए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इस बार कि युवराज सिंह जो है वो यो टेस्ट को पास कर लेंगे और उनकी वापसी भारतीय टीम में हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, युवराज सिंह की वापसी हो सकती है कि नहीं भारतीय टीम में? अपने अपने विचार बताइए नीचे कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप क्रिकेट और IPL के फैन हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।